ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सॉम का क्वेश्चन है गेट 2018 का। इसमें दिया हुआ है द ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ मेटल इज गिवन बाय। तो ये इन्होंने दिया हुआ है सिग्मा इज इक्वल टू 1020 इनटू द पावर 0.4। The cross-section area of the start of the test when the stress and stress values are equal to zero, यानी कि initially इसका जो cross-section area दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 mm square। ये इसका cross-section area दिया हुआ है। The cross-section area at the time of the necking is equal to up to 2 decimal। तो at the time of necking क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये रिलेशन दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि जब नेकिंग होती है तो मेटल ऐसे ऐसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे ये होता है, ये जो वैल्यू दी हुई है 0.4 वो स्ट्रेन के बराबर हो जाती है, और ये वाली स्ट्रेन होती है, ये होती है ट्रू स्ट्रेन, ये ट्रू स्ट्रेन होती है, और इसकी वैल्यू इसके ऊपर जो पावर रहती है उसके बराबर हो जाती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है ln। इसमें एरिया का रेशियो आता है या फिर रेडियस का रेशियो आता है, डायमीटर का रेशियो आ सकता है या फिर वो रेशियो दे देते हैं। तो यहां से इसका जो रेशियो रहता है मैं बता चुका हूं, डायमीटर का रेशियो रहता है, एरिया का रेशियो रहता है, या फिर वो रेशियो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वहां से आप ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है AI by A final। यदि डायमीटर का रेशियो दिया रहेगा तो ऐसा रहेगा DI upon D final, ये स्क्वायर रहेगा, आप इस स्क्वायर को आगे ले जाइए। लेकिन हमको अभी फिलहाल उन्होंने एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया से कैलकुलेट कर लेते हैं। PT की वैल्यू हमको पता ही है, 0.4 is equal to ln initial area दिया हुआ है 100, हमको फाइनल एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम यहां से लिख सकते हैं e to the power 0.4 is equal to 100 divided by a final। तो यहां से जो a final की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 67.032 mm square, ये आपका फाइनल एरिया है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जो स्ट्रेन होती है उसकी पावर जो रहती है उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ के बराबर हो जाती है। इस क्वेश्चन में यही आपको ये सॉल्व करना था। तो यहां से आप डायरेक्टली ए फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ए फाइनल आ चुका है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इससे पहले भी मैंने सॉम टॉम थर्मो के कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं गेट के 2018 के, तो आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर 67.032 mm स्क्वायर। सॉम का क्वेश्चन है गेट 2018 का, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्रीवियस वीडियो की भी देखना चाहते हैं तो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू, चैनल पे जाके।